क्या आपने भी वाटर पे कंपनी का यूपीआई बेस्ड वाटर एटीएम परचेस किया है और इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग बहुत सारा कंफ्यूजन है? तो ये वीडियो देखने के बाद आपके वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यूपीआई बेस्ड वाटर एटीएम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका सेटिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। और आपको लगेगा वाटर पे कंपनी का यूपीआई बेस्ड वाटर एटीएम इंस्टॉल करना ये तो बाय हाथ का खेल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज पाटिल और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल रिव्यू फॉर यू। तो ये है वाटर पे कंपनी का क्वाइन प्लस क्यूआर प्लस कार्ड एटीएम मशीन। अब इसको हम ओपन करते हैं। इसको हमने किया ओपन, तो ये बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। इस बॉक्स में आपको ये एसवी फ्लो सेंसर भी आएगा। तो अच्छे से बबल रैप किया हुआ पैकेजिंग है, इसको रखते हैं साइड में। तो ये अपना वाटर पे कंपनी का क्वाइन कार्ड और क्यूआर वाला मशीन अपने सामने है। तो ये बॉक्स को हमने अनबॉक्सिंग किया है। ये रहा इसका एटीएम और इस पैकेजिंग में आपको मिलेगा एसवी और फ्लो सेंसर, इसको भी हम बहुत अच्छा बबल रैपिंग किया है। तो ये पूरा अनबॉक्सिंग हो चुका है। तो बॉक्स में निकला एक मशीन, मशीन के साथ आया है 1.5 इंच का फ्लो सेंसर और 1.5 इंच एसवी। मशीन के बैक साइड से हम देखते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शंस हैं। ये आ गया एंटेना, अच्छे नेटवर्क के लिए एंटेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मशीन ओपन किया तो यहाँ पे क्वाइन कलेक्शन के लिए बॉक्स है और ये अंदर कार्ड आते हैं। इसमें लिखा है एक कस्टमर कार्ड है और एक मास्टर कार्ड। तो ये दो कार्ड मशीन के साथ मिलते हैं और यहाँ पे देखिए यह क्वाइन एक्सेप्टर जहां यूजर आके कस्टमर आके क्वाइन इंसर्ट करेगा। यहाँ पे जो लिखा है प्लेस कार्ड हियर, यहाँ पे जो RFID कार्ड है वो प्लेस करना पड़ता है। और यह है कीपैड जो अपना जो सेटिंग्स होते हैं वो सारे सेटिंग्स या कैलिब्रेशन होता है तो कैलिब्रेशन करने के लिए ये कीपैड दिया है। यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होती है मशीन का जो कुछ भी सेटिंग होता है वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये है क्वाइन प्लस कार्ड प्लस यूपीआई बेस वाटर एटीएम। अब हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो वाटर पे कंपनी का यूपीआई बेस वाटर एटीएम इंस्टॉल करने के लिए आपको लगेगा एक पाइप कटर, पाइप कनेक्शन के लिए सॉल्यूशन, कुछ एल्बोज, 1.5 इंच का पाइप लगेगा। यहाँ पे आपको दो यूनियन लगेंगे। अगर आप मशीन के साथ पंप कनेक्ट करने वाले हो तो वहां पे 4 यूनियन लगेंगे। ये 1.5 इंच का MTA लगेगा और ये 1.5 इंच का FTA लगेगा और ये आएगा टेप्लॉन टेप जो पाइप कनेक्शन के लिए हमें यूजफुल रहेगा। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक छोटा टैंक लिया है। आपका जो RO वाटर का टैंक होता है वो होता है 2000 लीटर का, 500 लीटर का, 1000 लीटर का। यहाँ पे हमने लिया है 100 लीटर का टैंक ताकि हम आपको डेमो बता सके। उसके आगे हमने यहाँ पे देखिए टैंक निप्पल लगा के उसके आगे 1.5 इंच का एक वॉल लगाया है ताकि अगर मशीन को बाद में कुछ मेंटेनेंस आ गया तो उसका मेंटेनेंस इजी हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक वॉल लगाया है। इसके बाद एल्बो इंस्टॉल किया है और आगे का प्लम्बिंग हम स्टेप बाय स्टेप अप करेंगे। तो यहाँ पे MTA को हमने टेप्लॉन टेप लगा के लिया है ताकि वो लीकेज ना हो जाए। ये देखिए आपका ये है 1.5 इंच फ्लो सेंसर। तो यहां पे देखिए यहां से आपको इन करना है और यहां से पानी बाहर निकलना चाहिए। तो यहां जहां फ्लो सेंसर का आउट है वो आउट, ये देखिए यहाँ पे SV है, SV का भी यहाँ पे एक एरो लिखा है,
यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा, तो इसको यहाँ ऐसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पाइप लगाना है जहाँ आपको आउटसाइड पे लगाना है, ये पाइप कनेक्ट किया, जहाँ आपका आउटलेट है वहां पे एक कनेक्ट किया। अब ये एसवी और फ्लो सेंसर का कनेक्शन रेडी हो चुका है। अब हम ये एल्बो लगाएंगे। ये जो MTA है ये हम सेंसर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पूरा प्लंबिंग का वर्क हमारा क्लियर हो चुका है। मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि हमने कैसे प्लंबिंग वर्क किया है, वो अब एक और बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। ये रहा आपका स्टोरेज का टैंक, इसके बाद में हमने एक वॉल लगाया है, इस वॉल के बाद आ गया यूनियन के बाद हाफ HP का पंप लगाया है। हाफ HP का पंप का कनेक्शन सीधा जाता है फ्लो सेंसर को, और फ्लो सेंसर से सीधा जाता है अपने SV को, और SV से आपको आउटलेट मिलता है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। हर थ्रेड जहाँ पे भी कनेक्शन है, थ्रेड है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन या टेफ्लॉन टेप लगाना है ताकि वो लीकेज ना हो जाए। और जहाँ जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे यूनियन जरूर लगाइए, ताकि फ्यूचर में जब भी आपका मेंटेनेंस निकलेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, कि जब भी आप प्लम्बिंग वर्क करते हो तो उस टाइम ये जो पाइप होता है वो कट करते हो, उस टाइम इस पाइप जहाँ कट करते हो वहाँ पे कचरा होता है, बर आता है, वो बर आगे जाके सेंसर में या SV में अटकने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद आपके SV को प्रॉब्लम आ सकता है, सेंसर को प्रॉब्लम आ सकता है, आपका मशीन बंद रह सकता है। इसीलिए जब भी आप प्लम्बिंग करोगे तो उस टाइम जहाँ जहाँ आपने पाइप कट किया है वहाँ का बर अच्छी तरीके से निकाले, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर ज्वाइंट करें, तो आपका SV और फ्लो सेंसर प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर इस प्रॉब्लम को आपको रोकना है तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आपका प्लम्बिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी यहाँ से आप निकालिए, ताकि ये जो सारा प्लम्बिंग हमने किया है उसमें जो भी कचरा है वो यहाँ से निकल जाएगा, और बाद में आप उसको प्लम्बिंग के साथ SV और फ्लो सेंसर कनेक्ट कीजिए, ताकि आपका SV और जो फ्लो सेंसर है वो कचरे से बच जाएगा और आपका SV फ्लो सेंसर सेफ रहेगा। तो मशीन का वायरिंग यानी कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने के लिए तीन चीज़ें ध्यान में रखिए। सबसे पहले ये है पंप का कनेक्शन। अगर आपने पंप इंस्टॉल किया है तो पंप का कनेक्शन आपको मशीन के साथ कनेक्ट करना है। दूसरा है ये फ्लो सेंसर का कनेक्शन, ये भी मशीन के साथ कनेक्ट करना है। और तीसरा है SV का कनेक्शन। ये तीनों चीज़ें आपको मशीन के साथ कनेक्ट करनी है। अब वो कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा मशीन है, यहाँ पे देखिए मेन पिन कॉर्ड है ये जो आपका प्लग में लगेगा। दूसरा यहाँ पे देखिए ये वायरिंग है, इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो आपको दो अलग अलग वायर्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो तीन वायर वाला कनेक्शन है ये है आपका फ्लो सेंसर का कनेक्शन, और ये जो है ये है आपके SV का कनेक्शन। जो पंप है, मोटर है, उसका कनेक्शन रेडी नहीं आता है, वो आपको PCB के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सेंसर को कनेक्ट करते हैं। ये रहा आपका सेंसर का कनेक्शन, और ये यहाँ पे सॉकेट दिया है। यहाँ पे देखिए ये जो डायरेक्शन है वो इसमें फिट हो जाएगा, अब ये फिट हो चुका है बराबर। दूसरा कनेक्शन SV का कनेक्शन, यहाँ जो दो वायर वाला कनेक्शन है उसमें देना है। यहाँ पे देखिए SV का कनेक्शन भी फिट हो चुका है। अब ए पंप का कनेक्शन हमें मशीन में देना है। तो यहाँ पे जब हम डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए
पूरा डायरेक्शन लिखा है, यहाँ पे आपका मशीन नंबर आता है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वारंटी के रिगार्डिंग, यहाँ पे फ्लो सेंसर कनेक्टेड है ऑलरेडी, यहाँ पे आपका एसवी कनेक्टेड है, मेन कनेक्शन आपका यहाँ पे आया है। ये मेन कनेक्शन आप ध्यान में रखिए, इसका बाद में क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अब हमें पंप कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है एल एंड एन, तो ये रहा आपका पंप का वायर, जहाँ पे पंप स्लैश एसवी 230 वोल्ट लिखा है यहाँ पे आपको पंप का कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे रेड वायर आपको इंसर्ट करना है, और जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे आपको ब्लैक वायर इंसर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा प्लम्बिंग का कनेक्शन पूरा हो चुका है, वायरिंग का कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब हम मशीन का टेस्ट लेंगे और अपने हिसाब से मशीन के सारे सेटिंग्स भी करेंगे। मशीन को QR से कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब आपको मशीन में सिम कार्ड इंसर्ट करना है, और जो कंपनी ने आपको जो QR कोड रजिस्टर करके दिया है, QR कोड जनरेट करके दिया है, वो QR कोड आपको लेना है। ये जो सिम कार्ड आता है वो आप वोडाफोन आइडिया या एयरटेल का लेना है, जियो का सिम मशीन में यूज नहीं होता है, और ये सिम आपको मशीन में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सिम कार्ड होल्डर है, इसमें हमें सिम कार्ड इंसर्ट करना है। यहाँ पे लिखा है पुश सिम कार्ड इन दिस ट्रे, ये जो ट्रे है इसमें हमें इंसर्ट करना है। यहाँ देखिए सिम कार्ड के दो साइड है बराबर, और यहाँ पे सिम कार्ड के साइड का ऊपर साइड में कट आता है, ये कट हमें ऊपर करना है। यहाँ पे भी दिखाया है कि कैसे सिम कार्ड इंसर्ट करना है, और यहाँ सिम कार्ड होल्डर में भी डायग्राम है, तो यहाँ से हमें ऐसे इंसर्ट करके पुश करना है। बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है ताकि सिम कार्ड टूट जाएगा, सिम कार्ड होल्डर टूट जाएगा, और जब नीचे हमें निकालना है तो ऐसे सिम कार्ड को नीचे निकाल सकते हैं। ऐसा उल्टा वगैरह सिम कार्ड मत डालिए, अगर उल्टा सिम कार्ड डालोगे तो मशीन को नेटवर्क नहीं आएगा, आपको सीधा इसमें इंसर्ट करना है और ऊपर पुश करना है। इस तरीके से आपको सिम कार्ड मशीन में इंसर्ट करना है। अब मशीन में सिम कार्ड डाल के मशीन रेडी हो चुका है। ये जो पिन है हमें मेन स्विच में डालनी है, तो जैसे मेन स्विच में डालेंगे हमारा मशीन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों तो सबसे पहले आपका वेलकम मैसेज आएगा, वेलकम टू वाटर पे, मशीन अभी इनिशियलाइजिंग हो रही है, उसका सिस्टम इनिशियलाइजिंग हो रहा है। यहाँ पे आ गया वेलकम टू वाटर पे UPI क्वाइन एंड कार्ड वाला मशीन। और एक इंटरेस्टिंग बात बताना मैं भूल गया दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए मशीन को नेटवर्क आया है कि नहीं आया है ये हमें चेक करना पड़ता है। जहाँ पे हमने सिम कार्ड इंसर्ट किया है वहाँ पे दो LED लाइट है, ये जो ग्रीन वाला LED लाइट है वो अगर पर सेकंड ब्लिंक करता है तो इसका मतलब मशीन ने अभी तक नेटवर्क नहीं पकड़ा है। अगर 2 या 3 सेकंड के बाद ये ब्लिंक करता है तो इसका मतलब मशीन ने अच्छी तरीके से नेटवर्क पकड़ा है और हमारा मशीन यूज करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों आइए टेस्ट करते हैं जिस फीचर के लिए आप इतने एक्साइटेड हो कि मशीन UPI पे कैसी चलती है, उसका एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं। यहाँ पे मैंने गूगल पे ओपन किया, ये जो QR है उसको स्कैन किया, मान लीजिए यूजर को 1 रुपए का पानी चाहिए तो 1 रुपए पेमेंट करेगा, उसके बाद वो पिन इंसर्ट करेगा। तो पेमेंट हो चुकी है, उसके बाद मशीन को नोटिफिकेशन जाएगा, यहाँ पे देखिए कितने रुपए पेमेंट रिसीव हुआ है और कितना किसने किया है, और सीधा पानी डिस्पेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब 1 रुपए का पेमेंट क्या अब मैं कर दूंगा 5 रुपए का पेमेंट, जैसे मैंने 5 रुपए इंसर्ट किए, अब मैंने किया है 5 रुपए का पेमेंट, 5 रुपए का पेमेंट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, 5 रुपए अमाउंट रिसीव हुआ है, किसने किया है उसका नाम। उसके बाद तुरंत ही आपका ये जो पंप है वो स्टार्ट हो जाएगा, टैंक का पानी पंप में आएगा, ये फ्लो सेंसर और SV से ये पानी इसमें डिस्पेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिस्प्ले पे आपको दिखेगा कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और उसके अगेंस्ट कितना पानी डिस्पेंस हो रहा है। यहाँ पे 6 लीटर कंप्लीट हो गया है, 7 लीटर कंप्लीट हो गया, 8 लीटर, 9 लीटर और 10 लीटर, और उसके बाद पंप बंद हो जाएगा, SV और फ्लो सेंसर दोनों भी बंद हो जाएंगे। इसी तरह हमारा सिस्टम
क्वाइन पे भी वर्क करता है। इसके लिए आपको ये जो क्वाइन है, ये क्वाइन इस क्वाइन एक्सेप्टर में डालना पड़ेगा। जैसे मैं क्वाइन एक्सेप्टर में क्वाइन डालूंगा तो वो मशीन एक्सेप्ट करेगी और आपका एक रुपए का पानी देना स्टार्ट करेगा। तो अपना ये वाटर एटीएम आरएफआईडी कार्ड पे कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, इसका भी डेमो अब हम देखेंगे। मशीन के साथ एक और एक यूजर कार्ड आता है। तो जो यूजर कार्ड है वो आपको कस्टमर को देना है, मास्टर कार्ड आपके लिए रखना है, वो आपका सेटिंग के लिए यूज होता है, बराबर। अभी यूजर कार्ड जैसे ही यहाँ पे प्लेस कार्ड हियर लिखा है वहां पे प्लेस करोगे तो कार्ड में से बैलेंस कट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अवेलेबल बैलेंस 90, न्यू बैलेंस 80 रुपीज और 10 रुपए रिसीव हो गए डिस्पेंसिंग 20 लीटर और उसका डिस्पेंस स्टार्ट हो चुका है। मान लीजिए आपके टैंक में पानी नहीं है, बराबर, या फ्लो सेंसर या पंप में कुछ खराबी है, टैंक में पानी नहीं है, एसवी को पानी नहीं मिल रहा है, तब उस टाइम क्या होता है, मशीन क्या वर्क करती है या मशीन क्या बिहेव करती है ये हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए पंप को पानी नहीं मिल रहा है, एसवी फ्लो सेंसर को पानी नहीं मिल रहा है, 15 सेकंड के बाद यहाँ देखिए सेंसर एरर प्लीज चेक फ्लो, 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक अपना पंप भी बंद हो जाएगा, एसवी फ्लो सेंसर क्लोज हो जाएगा। इस तरह हमारा पूरा मशीन वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कस्टमर केयर को कॉल करने से पहले एक बार ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको इंस्टॉलेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वाटर पे यूपीआई बेस्ड वाटर एटीएम इंस्टॉलेशन में मास्टर बन जाओ। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके सारे सेटिंग्स कैसे करने हैं, लीटर प्राइस चेंज मोड कैसे करना है, पानी का फ्लो कैसे बढ़ाना है, पानी का फ्लो कैसे कम करना है, वो सारी चीजें आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। दिस इज शिवराज पाटिल साइनिंग ऑफ।